जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बारासुनी विधायक के बयानों पर राजेश पाठक का तीखा प्रहार, कहा जायसवाल को पैसा का नशा है, शराब का नशा है, सहित जायसवाल के संस्कारों पर उठाए कई सवाल। जिले के सनसनीखेज डाली दमाई हत्याकांड के मुख्य आरोपी भाऊ अग्रवाल की हाईकोर्ट से जमानत याचिका हुई मंजूर, पिछले एक साल से जिला जेल बालाघाट में बंद है भाऊ अग्रवाल। उपवा के वार्ड नंबर 10 में मकान में सिलेंडर फटने से 6 मकानों में लगी भीषण आग, नकदी रुपए सहित लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। जिला पंचायत में सरपंच संघ की बैठक के दौरान बैठक में 2 घंटा देरी हो जाने पर आक्रोशित हुए सरपंच जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, बैठक में भी नहीं निकला कोई हल। बीएसएनएल ऑफिस में हुआ चोरी का प्रयास, स्टाफ ने चोरों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, केबल वायर चोरी मामले में बड़े गिरोह का हो सकता है खुलासा। अपनी बदहाल स्थिति पर आसुबहरा नगर का वार्ड नंबर 13, नालियों में पानी जमा होने से वार्ड वासियों में बना डेंगू जैसी भयानक बीमारी का डर। बारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम मेहंदीवाड़ा में चलते चलते गिरने से एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल वृद्ध भोजराम पिता गुलाबचंद बंसोड 75 वर्ष की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोजराज ग्राम मेहंदीवाड़ा में अकेला ही रहता था और खेती किसानी करता था। यह भी बताया गया कि भोजराज की शादी नहीं हुई थी और उसके परिवार में कोई नहीं था। रिश्तेदारों में भोजराज के दूर कनाती दीपक कुमार बंसोड़ मेहंदीवाड़ा में ही रहता है। 7 फरवरी को सुबह मेन रोड पर भोजराज चलते चलते गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके 2 युवकों ने वारासुनी के शासकीय अस्पताल लाकर उसे भर्ती कराया। दीपक कुमार बंसोड़ को खबर मिलने पर वह वारासुनी अस्पताल पहुंचा। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद भोजराज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल बालाघाट में जब भोजराज को लाया गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल पुलिस ने इस वृद्ध की लाश पोस्टमार्टम करवा कर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी सतीश पिता राजेश अर्जे 21 वर्ष वार्ड नंबर 10 ग्राम कोसमी थाना नबीगांव निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 7 फरवरी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 22,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। घटना 2020 में कोतवाली क्षेत्र में घटित हुई थी। 15 जुलाई को सुबह 10 बजे नाबालिग अभियोत्री किराना दुकान गई थी, किंतु वह वापस नहीं आई। आस पड़ोस और रिश्तेदारी में काफी तलाश करने पर भी वह नहीं मिली। 16 जुलाई को 4 बजे करीब अभियोक्त्री के गुम हो जाने की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी। कोतवाली पुलिस के द्वारा पतासाजी के दौरान 25 अगस्त की शाम 7 बजे कोतवाली पुलिस ने इस नाबालिग अभियोत्री को दस्तियाब किया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि सतीश का उसके बड़े पिता के बेटे से दोस्ती थी और वह अक्सर उनके घर आते जाते रहता था, इसी कारण उसके साथ उसकी जान पहचान हो गई थी। 15 जुलाई को सुबह 10 बजे जब वह बाजार जाने निकली थी, सिबीच रेलवे क्रॉसिंग बूढ़ी के पास सतीश अर्जे उसे मिला और उसने बहला फुसला कर उसे मोटरसाइकिल से गोंदिया ले जाकर रामनगर गोंदिया में किराए के कमरे में रखा और मना करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। 15 अगस्त को सतीश ने उसे सरे का बालाघाट में लाकर रखा था। 25 अगस्त को सतीश बाहर गया था, तभी वह मौका देकर अपनी माँ के पास आ गई और उसने घटना के संबंध में बताया। अभियुक्ति से पूछताछ करने के बाद कोतवाली पुलिस ने सतीश अर्जे के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 (2)(j)(i) भारतीय दंड विधान और धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 56 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर अपराध में सतीश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र पेश किया गया। यह मामला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश
मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी सतीश के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। सभी परिस्थिति को देखते हुए आरोपी सतीश को धारा 363 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, 325 अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के अपराध में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा 376(2)(j) व (n) के तहत अपराध में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। रूबियर थाना के अंतर्गत ग्राम उकवा के वार्ड नंबर 10 में एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से 6 मकानों में आग लग गई। 7 फरवरी को सुबह 10 बजे हुई इस घटना ने नकदी सहित लाखों रुपए के सामान व घर गृहस्थी का भी सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल वाहन पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग इतनी भयावह थी कि किसी को भी अपने घर में रखा सामान बचाने का मौका नहीं मिल पाया। सूखी लकड़ी सहित घर गृहस्थी का सामान व झोपड़ियां आसपास होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि आधे घंटे में गरीबों का सब कुछ जलकर खाक हो गया। अपने मकान को जलता देख गरीबों के आंसू बहना के सिवा और कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने बताया कि घर में रखे सभी घर गृहस्थी के सामान व जेवरात सहित सभी जलकर खाक हो गए। तब तक आग पड़ोस के लोगों ने पानी से आग बुझाने की काफी कोशिश की, मगर आग की लपटों के सामने सब बेबस हो गए। तभी उकवा माइन से एक टैंकर पानी बुलाया गया, जिसने आग बुझाने में काफी उन्हें सफलता मिली। इसके बाद मलाजखंड से फायर की 2 गाड़ियों ने बची कुची आग को पूरी तरह से बुझाया। आपका भी जो घर जला, इसमें क्या क्या जला है आप लोग का? बहुत सारा सामान था, बिस्तर, कपड़े, खाना पीने का, हर चीज, टीवी, पलंग, चेटी, गहने वहने, फान का था, पैसे थे, कुछ पैसे भी रखे थे, नगद रखे थे, पेपर, पूरे कागजात, राशन कार्ड, पूरा जल गया। आप लोग कहाँ गए थे जब घर जला? तो खाना बनाने गए थे। लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चोरी की वारदातें घटित हो रही। इसी क्रम में 6 व 7 फरवरी की दरमियानी रात 2 से 3 बजे के बीच स्थानीय BSNL कार्यालय में चोरों ने धावा बोल दिया और उनके द्वारा टावर से जुड़े केबल वायर व अन्य टेक्नीशियन सिस्टम को चोरी करने का प्रयास किया गया, परंतु वे असफल रहे और BSNL कार्यालय लालबरा के कर्मचारी की सूझबूझ के चलते चोरी करने वाले 2 चोरों को पकड़ लिया गया, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया व एक आरोपी अभी भी फरार हो गया। जिससे एक युवक पुलिस की अभिरक्षा में है वह दूसरा युवक भागने के दौरान बाउंड्री वॉल दीवार से गिरने से चोट लगने से कारण घायल हो गया था, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक जियो कंपनी में काम करते हैं, जिनके द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया, जिससे ऐसा लग रहा है कि पूर्व में भी इन्हीं लोगों के द्वारा केबल वायर की चोरी की गई होगी और पुलिस की कड़ाई पूछताछ में केबल चोरी करने के बड़े गिरोह का भी पर्दाफाश हो सकता है। पुलिस ने BSNL कार्यालय लालपर्रा में पदस्थ टेलीकॉम टेक्नीशियन मोहम्मद अयूब खान की रिपोर्ट पर नवेगांव वाराणसी निवासी अजय बोपचे, मुरझर निवासी विशाल बोपचे के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380, 186, 353, 332, 382, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। आपको बताया कि पद्मेश सिटी केबल बालाघाट के द्वारा केबल का प्रसारण करने के लिए पूरे जिले में केबल लाइन बिछाई गई है, जिसके फाइबर ऑप्टिकल वायर का उपयोग किया गया है, परंतु गत दिवस लालबरा बारासुनी मार्ग स्थित चिंद्रे देवी मंदिर में खमरिया के बीच करीब 700 मीटर व बेहरई से लवादा के मध्य 500 मीटर केबल वायर के अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली थी, जिसकी रिपोर्ट भी बारासुनी व लालबरा थाने में की गई थी और उक्त केबल वायर सिर्फ ब्रॉडबैंड इंटरनेट के कार्य में ही उपयोग आता है। साथ ही बालाघाट जिले में वर्तमान में कुछ लोगों के द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कार्य किया जा रहा है और जो केबल वायर चोरी हो रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लालबरा में BSNL का केबल वायर चोरी करने वाले पकड़ाए हैं, इन्हीं के द्वारा चोरी कर उन्हें विक्रय किया जा रहा होगा, क्योंकि केबल के वायर सिर्फ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन में ही काम आ सकता है, क्योंकि केबल इंटरनेट के लिए जो फाइबर ऑप्टिकल वायर का उपयोग किया जाता है वह सिर्फ इन्हीं कामों में उपयोग हो सकता है। तो इस तरह के चोरों के द्वारा जो वायर चोरी किया जा रहा है उसे सिर्फ इंटरनेट नेटवर्क से संबंधित कंपनी या व्यक्ति ही खरीद कर उपयोग कर सकता है और उन्हें चोरी किए गए यह फाइबर ऑप्टिकल वायर मार्केट के दामों से भी कम दामों में मिल जाता है। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा केबल चोरी करते हुए पकड़ाए गए इन युवकों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है
तो इन सभी चोरियों के पीछे की किसी बड़ी चोरी की वारदात का भी खुलासा हो सकता है। ढाई से तीन के बीच की घटना है। उस समय आप कहाँ थे? हम सोए हुए थे, फिर उनको मतलब आहट मिली तो उठे तो देखे तो अंदर वो अपना केबल काट रहे थे। कितने लोग थे? दो लोग थे और कुछ बाहर रहे होंगे, और उनका कहना है कि हम फोर व्हीलर से आते हैं। फिर आपने उनको पकड़ा? हाँ, कोशिश की पकड़ने की, छीना झपटी हुई, बहुत मारे भी हमको, उन बच्चों को मारा, फिर वो मतलब भागने में वो इंजर भी हुए होंगे, एक तो भाग गया तो एक को पकड़ के रखे थे, तो फिर पुलिस थाने में घंटी की। आपने पुलिस थाने में कितने बजे इन्फॉर्म किया और पुलिस कितने बजे आई? पुलिस तो तुरंत ही आ गई थी, एक घंटे आधा घंटे लगे थे पुलिस को आने में। तो कितने लोगों को पुलिस के हवाले किए आपने? एक ही आदमी को पकड़े हैं वो लोग। कितने लोग? दो आदमी पकड़ में आ गए हैं। दो लोग आ गए तो उनको पुलिस ने पकड़ी कि आपने पुलिस के हवाले किया उनको? नहीं, अब वो पुलिस ने एक को पकड़ी, एक को हम उनके हवाले किए। तो उन लोगों ने कोई हमला वगैरह किया? हाँ, हमारे को हमले किए, राड है यहाँ रखी हुई है, तो वो राड मतलब हमने पकड़ लिया तुरंत, और फिर उससे अपने बचाव कर ले गए हम। अपना बचाव तो हमने कर लिया, लेकिन पैर में और हमारे यहाँ पीठ में गिरने की वजह से चोट आई है। अरे आप पे भी जानलेवा हमला किया गया? जानलेवा हमला किया, और फिर हमारे बच्चे जो थे, अगर वो ना आ जाए तो फिर हमको बहुत ज़्यादा। बच्चों को भी कुछ चोटें आई? हाँ, बच्चों को भी चोट आई हैं, उनके पैर में, हाथ में, सिर में नहीं आई है। अपन ये जो चोरियाँ चल रही है, सिलसिलेवार चोरियाँ कर रहे हैं, और इनके पीछे गिरोह है, क्योंकि अपन कटंगी एरिया से स्टार्ट करें तो वहाँ पे आगरी, जरा मोगाव, फिर इधर आए तो खैरलांजी, और फिर इधर आए तो लालबर्रा में, और आपका भंडारा में अभी लेटेस्ट में चोरी हुई है, और आपका जाम, बुदबुदा, और ये जो गिरोह है, ये जो है प्लान करके पूरी तरह कौन से एक्सचेंज या कौन से BSNL के टावर को टारगेट करना है, ये लोग रात में आके चोरियाँ करते हैं। अब लालबर्रा की बात की जाए तो यहाँ 16 जनवरी को रात से करीबन, ये आपके पीछे जो टावर लगा है इसमें 12 केबलें थी, 12 की RF केबल बोलते हैं, जिनसे अपना टावर चलता है, इनको रात को पूरी चोरी कर ली गई, जिसकी कीमत लगभग 1,80,000 है। और ये जो हमारे अयूब जी ने, जो यहाँ के स्टाफ है, उन्होंने जो साहसिक कदम उठाया और उन चोरों को अपनी गिरफ्त में लेके पुलिस के हवाले किया, इससे जरूर चोरी में आगे चल के भविष्य में रोकथाम आएंगी। और हम लोग बालाघाट से इसलिए आए ताकि जो है हमारा पुलिस विभाग इसमें कड़े से कड़ी कार्रवाई करे। क्या क्या लिखेगा? वो रात को 3 बजे करीबन हो गई है, और हमारे यहाँ के कर्मचारी है, वो उनको पकड़ में समर्थ रहे हैं, और उन पुलिस के हवाले कर दिया है। सर, इसके पहले भी चोरी हो चुकी है और लगभग ये तीसरी चोरी है। हाँ। आपने इन चोरियों की जानकारी मिलने पर क्या कदम उठाया? अपने तरफ क्या प्रयास किए विभागीय स्तर पे चोरी को रोकने के? विभागीय तरफ से हमने पुलिस को बतला दिया था कि चोरी हो रही है करके, उन्होंने FIR तो दर्ज नहीं किया, लेकिन हमारा जो कापी एप्लीकेशन है वो ले लिया था। सर, अब तक कितने की लेके वो चोरियां कर चुके हैं वो लोग यहाँ से? क्या विभाग को कितना राजस्व का नुकसान होगा? सर, मैं दे दूंगा, वो जानकारी साहब दे देंगे। उच्च न्यायालय जबलपुर की अदालत ने बालाघाट जिले के सनसनीखेज पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाए हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय उर्फ भावू अग्रवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। डाली दमाए हत्याकांड में भावू अग्रवाल पिछले एक साल से जिला जेल बालाघाट में बंद है। 7 फरवरी की सुबह जबलपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। यदि ऑनलाइन कागज सही समय पर बालाघाट के न्यायालय में पहुंच जाए तो 7 फरवरी की शाम या फिर 8 फरवरी की सुबह संजय उर्फ भावू अग्रवाल की बालाघाट जेल से रिहा किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष शिवरात्रि के पर्व के दिन ही शिव बारात के बाद मामूली विवाद पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाए की ग्राम गोंगले में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लगभग एक दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें अन्य लोगों की जमानत लगभग 6 महीने पहले ही हो चुकी है। इस मामले में संजय उर्फ भावू अग्रवाल की जमानत नहीं हुई थी, जो न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट में थे। 7 फरवरी को जबलपुर हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। जैसे ही भावू अग्रवाल की जमानत की बात उनके परिजनों को पता चली तो उनके द्वारा जिला जेल के सामने आकर आतिशबाजी की गई। वहीं आतिशबाजी की सूचना लगते ही कोतवाली TI कमल सिंह गहलोत सहित उनका अमला भी वहां पहुंचा, किंतु उन्हें बाद में पता चला कि अभी चालान पेश होने को है। तभी उनके परिजन व उनके समर्थक अपने अपने घर चले गए।
कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खमरिया निवासी ममताबाई प्रधान ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपने विगत कई वर्षों से रह रही कच्चे मकान को न तोड़कर उसे यथावत रखने की गुहार जिला प्रशासन से की है। जनसुनवाई में कटंगी क्षेत्र के ग्राम खमरिया से पहुंची ममता प्रधान ने बताया कि वह विगत कई वर्षों से यहां पर कच्चा मकान बनाकर निवास कर रही है। अब पंचायत के द्वारा उसे तोड़ने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यह मकान शासकीय भूमि पर बना हुआ है, किंतु ममता भाई के पास अभी रहने के लिए कोई भूमि नहीं और उनके परिवार में भी अब कोई नहीं है कि वह मकान बनाकर अन्यत्र जगह रह सके। वह बहुत ही मुश्किलों से अपना भरण पोषण कर रही है। वह चाहती है कि जो मकान शासकीय भूमि पर बना हुआ है उसे केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ मिल जाए और उसका पक्का मकान बन जाए, किंतु ग्राम पंचायत के द्वारा अतिक्रमण की श्रेणी में आने पर मकान को तोड़ने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर ममता भाई प्रधान जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंची और शासन प्रशासन से गुहार लगा रही कि उनका मकान ना तोड़ा जाए। सर प्रॉब्लम ये है सर कि जिस हाईवे रोड में रहती हूँ करीब मेरे 40-45 साल हो गए, हम लोग वहाँ पापा के ज़माने से निवास करते हैं, पापा 15 साल हो गए एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें से सर मुझे ही हटाया जा रहा है। साइड में पूरी पट्टी PW की, वहाँ ताजे ताजे भरन है और भी लोगों ने नए नए और भी काम चालू है, जिसमें से कुछ के काम स्टार्ट हो गए, कुछ के बन रहे हैं और कुछ शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर मैं एक गरीब महिला, आदिवासी गरीब महिला जो मजदूरी करने वाली, जो बेचारा अनपढ़ गवार पति मजदूरी कर रहा है, कमा रहा खिला रहा है छोटा सा मेरा बच्चा, और बल्कि आजू बाजू से मिट्टी ढेर डाल के सर पानी गड्ढा कर दिया गया ताकि मैं ऐन समय में बारिश में 6 महीना पहले सर इतनी बुरी स्थिति थी सर कि मैं क्या बताऊँ सर, कटंगी में खमरिया में इतने लोग नहीं सर कि मैं ऐन बारिश से पूरी बरसात में सर पूरा पानी भर गया सर, मैं यहाँ आ गई कोई मतलब नहीं रहा सर, ऐन बारिश में सर मुझे पूरे घर में मेरा सामान गिर गया सर, इस वजह से मुझे मेरी इतनी औकात नहीं सर कि मैं किराए से रह सकूँ, मैं किराए से जाकर रही अभी 3 महीना सर वहाँ पे मैं रही, और देखिए कि अब सुबह मौसम आ गया उसी टूटे फूटे को मैंने सर ठीक करी, जिस वजह से सर उससे और फिर उसके बाद सरकार मुझे आके करी कि भाई तुम खाली कर दो, यानी सर हम गरीब नहीं रह सकते सर ऐसे सरकारी जगह में, और बिजनेस कर सकते हैं सर। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने पास्को एक्ट के मामले में अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने और झूठा बयान देने के अपराध में आरोपी ममता भौतेकर 30 वर्ष ग्राम रत्नारा थाना हट्टा निवासी को 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 9 मई 2020 को ममता ने बेटी के साथ गोलू के द्वारा गलत काम किए जाने की रिपोर्ट हट्टा थाने में दर्ज की थी। हट्टा थाने में अपराध क्रमांक 69/2020 में गोलू के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विचारण शुरू किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त ममता बाई के द्वारा न्यायालय में उक्त अपराध का समर्थन नहीं किया गया, जिससे गोलू उर्फ जितेंद्र को दोषमुक्त किया गया। ममता भौतेकर के द्वारा गोलू उर्फ जितेंद्र को झूठा बयान देकर झूठा फंसाया गया था। मिथ्या कथन दिए जाने से आरोपी दोषमुक्त हो गया। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा अभियुक्त ममता भौतेकर के विरुद्ध धारा 22 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। विद्वान विचारण न्यायालय में अभियुक्त ममता भौतेकर के विरुद्ध धारा 22 पास्को अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया और यह प्रकरण विद्वान अदालत में चला। विद्वान अदालत ने प्रकरणों में आई सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त ममता भौतेकर को पूर्व प्रकरण में गोलू उर्फ जितेंद्र के विरुद्ध मिथ्या प्रकरण दर्ज कराए जाने और मिथ्या साथ देने के अपराध में धारा 22 पास्को एक्ट के तहत अपराध में 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वारासणी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे ने अवैध रूप से वन्य प्राणी कछुए को अपने पास रखकर उसका व्यापार करने के आरोप में 3 आरोपी रविंद्र अट्राय, राजेश पिता धुरनलाल मिजनेश लिल्लारे को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास व 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 29 सितंबर 2016 को वन विभाग को मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पर वन स्टाफ सहित अधिकारी ग्राम भानपुर पहुंचे और फोन पर ग्राहक बनकर कछुआ खरीदने हेतु कछुआ दिखाने के लिए कहा गया था, जिसे अभियुक्त रविंद्र के कहने पर अभियुक्त मिनेश व अभियुक्त राजेश ने कछुआ सुनजरा मिलाकर दिखाया। कछुआ देखते ही वनपाल श्री विजय सिंह कुमरे के द्वारा कछुए की जब्ती कर कार्रवाई की गई थी। अभियुक्त मिनेश फरार हो गया था, तभी अभियुक्त रविंद्र व राजेश को खैलांजी लाया गया। रविंद्र ने उसके बयान में बताया कि इसके अलावा उसके घर से गढ़ में 2 और कछुआ पाल के रखा है। अभियुक्तगण के द्वारा कछुआ पालने व व्यापार करने का जुर्म भी स्वीकार किया गया था। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
जिसके बाद से उक्त प्रकरण विचाराधीन था, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे के द्वारा प्रकरण वन परिक्षेत्र खैलांजी के दिनांक 29/9/2016 के आरोपी गन रविंद्र पिता पियालाल अटराहे उम्र 46 वर्ष निवासी भेंडारा, राजेश पिता धुरनलाल उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम थानेगांव, विनेश पिता गणेश लीलारे उम्र 30 वर्ष निवासी पिंड के पार, तीनों ही आरोपियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वारासुरी रोड ग्राम गर्रा मशीन टोला के पास बांस से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार प्रदीप चित्री 29 वर्ष ग्राम मेंढकी थाना रामपाली निवासी है, जिसे जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रदीप गर्रा स्थित किसी फैक्ट्री में काम करता है और मोटरसाइकिल से वे आना जाना करता है। 6 फरवरी की शाम 7 बजे करीब प्रदीप अपने गांव मेंढकी से मोटरसाइकिल से ग्राम गर्रा फैक्ट्री नाइट ड्यूटी करने आ रहा था। तभी वारासुनी से गर्रा आते समय मशीन टोला के आसपास सामने से आ रहे बांस से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार प्रदीप मोटरसाइकिल सहित गिर गया। सर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां से उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को मनरेगा से हटाने को लेकर सरपंच संघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जिसका निराकरण को लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार के द्वारा सरपंच संघ की बैठक मंगलवार को 12 बजे जिला पंचायत में आहूत की गई थी, जहां पर 2 घंटा देरी हो जाने पर सरपंच संघ ने जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उसी दौरान जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार भी पहुंचे और सरपंचों को शांत करवाया, जिसके बाद सरपंच और सीईओ के बीच नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को मनरेगा से हटाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान बालाघाट जिले के सभी ब्लॉकों के सरपंच भी उपस्थित। इस चर्चा में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर विचार करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। वहीं नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को मनरेगा से हटाने को लेकर चर्चा शुरू की गई। काफी देर तक इस चली बैठक में कोई सार्थक निराकरण नहीं निकल पाया। राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर का ये हमारा मनरेगा का एनएमएस का मामला है। इस पे हम भी निर्णय नहीं ले सकते और ना ही सीईओ साहब निर्णय ले सकते, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं कि वो उस प्रॉब्लम को या उस समस्या को खत्म नहीं कर सकते और ना हम अपने हड़ताल को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व से बंधे हुए हैं। हम अपने मर्जी से ये तालाबंदी नहीं कर रहे हैं, प्रदेश के आह्वान पे, देश के आह्वान पे हम एनएमएस के इस योजना का विरोध करते हुए कर रहे हैं और ये हड़ताल पूरे प्रदेश में चल रही है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की बैठक में हमारा परिचय हुआ, स्थानीय मुद्दों पे बातें हुई, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय मुद्दा है उस पर कोई निराकरण नहीं हो पाया, इसलिए हमारी जो हड़ताल है वो निरंतर जारी है। राष्ट्रीय संगठन ने हमारी हड़ताल लगाई है, हड़ताल करने के लिए राष्ट्रीय संगठन प्रदेश संगठन ने के निर्देश पे जो हमारे सरपंच भाई जो तालाबंदी कर रहे हैं और असहयोग आंदोलन चल रहा है वो यथावत जारी रहेगा। सरपंच सीईओ साहब से हमारी बातचीत हुई और जो लोकल मुद्दे थे बालाघाट जिले में, जैसे कुछ जो कचहरी रात में लेट समय तक चलती है उस पे समय का ध्यान रखते हुए काम किया जाए, उन्होंने माना। हमारे जिला सरपंच संघ की जो बैठक हर महीने उनको लेना है, उसके लिए उन्हें समय देना है, सरपंच संगठन को, सचिव को, सरपंच संघ के अध्यक्ष को और हमारे पदाधिकारियों को जिले के, वो उन्होंने माना। और बाकी जो कुछ सुदूर सड़क की समस्या है कि सुदूर सड़क किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी को माँ मौसी का भाव नहीं होना चाहिए, सबको एक प्रकार से होना चाहिए, वो भी उन्होंने माना। कुछ जगह पे जो समतलीकरण योजना का समस्या आ रहा वो माना। सेग्रीगेशन सेट को लेके कुछ बातें हुई,
टैक्सेशन को लेके कुछ शासकीय जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन गवर्नमेंट वसूली करे हमारे ऊपर ना डाले, इसको लेकर के बात हुई। ये सारी बातों पे चर्चा हुई, लेकिन बात आखिरी में सार यही निकला कि भाई हमारी जो हड़ताल NMMS को लेकर के है, इस बात को वो ऊपर के पटल पे रखेंगे, उनके माध्यम से हमारी बातें प्रशासन तक जाएगी। लेकिन अगर वो ये कहें कि हमारी हड़ताल, तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे राष्ट्रीय संगठन से हमारे को कोई ऐलान नहीं आता कि भैया हड़ताल रखनी है या बंद करनी है या उसको नया मोड़ देना है या शांतिपूर्वक अभी जैसे चल रहा है उसको किसी और पैटर्न में परिवर्तित करना है, जब तक ये हमको ऊपर से आदेश नहीं आएगा यथावत हमारी तालाबंदी चलती रहेगी।